यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। द चार्ज ऑन अ प्रोटोन इज 1.6, वेयर इज द पॉइंट, ओके, एंड दैट ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज माइनस। डज इट मीन दैट इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम लेस देन द चार्ज ऑफ ए प्रोटोन, है ना? मतलब क्योंकि न्यूमेरिकली तो यही दिख रहा है ना, न्यूमेरिकली प्रोटॉन के चार्ज में से इसको माइनस करोगे तो ये मिलेगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना? तो न्यूमेरिकली तो ये वाली बात सही है, पर क्या ये इस तरह के स्टेटमेंट सही होगा ना कि मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब कम होता है प्रोटॉन से? नहीं, तो ये सही नहीं है ना। एक्चुअल में हमने क्या देखा, बहुत सारे जब अपने एक्सपेरिमेंट करे कि भाई जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें दो तरह के चार्जेस हैं ना, है ना? तो अपन ने क्या करा, ये प्योरली कन्वेंशन है कि एक को अपन ने पॉजिटिव बोला, एक को नेगेटिव बोला। तुम भाई कुछ भी और नाम में दे सकते थे ना, तुम कुछ और नाम भी दे सकते थे इनको ना, एक को ए बोल सकते थे, दूसरे को बी बोल सकते थे, एक को वन बोल सकते थे, दूसरे को जीरो बोल सकते थे। पॉजिटिव नेगेटिव रखने से क्या हुआ, मैथमेटिकली उनको सॉल्व करना आसान हो गया ना। तो बस देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव का चार्ज कम होता है, पॉजिटिव का ज्यादा होता है। यहाँ पे प्लस और माइनस उनका नेचर बता रहा है कि दो डिफरेंट तरह के चार्जेस हैं। एंड ये प्योर कन्वेंशन है कि हमने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव माना, हम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मान सकते थे, प्रोटॉन को नेगेटिव मान सकते थे, बस हमने असाइन करा है। समझो देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड प्लस और माइनस बस इतना बता रहे हैं, दो अलग अलग तरीके हैं। इसका मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई एक अच्छा है एक बुरा, एक का ज्यादा एक का कम है ना? तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का नेचर अलग अलग है। तो ये स्टेटमेंट तुम न्यूमेरिकली तो कह सकते हो, बट फिजिकली इसका कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, है ना?